वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि जो छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल टेक्नीशियन का एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका पाठ्यक्रम जो 2021 के लिए एडमिशन होना है फ्रेंड्स, वह प्रारंभ हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ तो सर्टिफिकेट कोर्स सूचना ब्यूरोडिका प्रवेश वर्ष 2021 के लिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे और पीडीएफ में देखेंगे इसका सारा जानकारी फ्रेंड्स, कब से आपको ऑनलाइन करना है और किस आधार पे आपका एडमिशन होना है। यहाँ पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स 2021 का आपको यहाँ एडमिशन होने का पूरा डिटेल यहाँ बताया गया फ्रेंड्स, जिसका ऑनलाइन प्रारंभ जो होगा वह सारी तिथियां इसके साथ जो भी और आवश्यक जो जानकारी है वो आपको यहाँ बताने वाला होता है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, पैरामेडिकल टेक्नीशियन ऑनलाइन प्रवेश है तो आवेदन सूचना 22 अप्रैल 2022 आज के डेट पे जारी हुआ है फ्रेंड्स। इसका जो ऑनलाइन अप्लीकेशन वो cgdme.co.in पे आप 23 अप्रैल 2022 रात्रि 9 बजे से, अर्थात कल रात्रि 9 बजे से फ्रेंड्स, आप 2 मई के दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेगा। और इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें वाउचर्स बताया गया है, इसमें देखते रहें काउंसलिंग संबंधित जो जानकारी है वो CGDME में हमेशा आपको देखते रहना पड़ेगा। और इसमें जो जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, आवेदक की योग्यता 10+2 पैटर्न में 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी विषय सहित अर्थात बायोलॉजी ग्रुप और कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य योग्यता विवरण लागू होगी, इस वेबसाइट का अवलोकन करते रहना है और ये सभी आवंटन ऑनलाइन या ऑफलाइन किए जाएंगे। तो समस्त जानकारी बावत वेबसाइट की सूचना पढ़कर ही आगामी कार्यवाही करना है। तो जो ऑनलाइन आवेदन संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो शुल्क है वो 500 रुपये OBC और अन्य पिछड़ा सॉरी अनरिजर्व और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हेतु 300 रुपये किया गया है। और इसमें अगर आप कोई एडिट करते हैं तो इस तिथि तक आपको अतिरिक्त 200 रुपये दे के कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 23 अप्रैल 2022 रात्रि 9 बजे से 2 मई 2022 दोपहर 3 बजे तक रहेगा। और इसमें कोई भी अगर आपको सुधार करना है तो 200 रुपये का अतिरिक्त संशोधन शुल्क लगेगा। और इसमें देखेंगे आवेदक द्वारा 12वीं कक्षा का अधिकतम अंक एवं प्राप्तांक, तो बायोलॉजी विषय का अधिकतम अंक एवं प्राप्तांक ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना है, जिस हेतु अगले पेज में चिन्हित अंक सूची का अवलोकन करके ही अंक भरना है। इन्हीं अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची बनेगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी प्रावीण्य सूची बनेगा, तो इसमें जो आपका 12th में परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको यहाँ फिलअप करना है। और कहाँ से क्या फिलअप करना है वो ऑनलाइन जैसे स्टार्ट होगा फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही समाप्त करता हूँ और इसमें जो टाइमिंग है उसको आपको बता देता हूँ। प्रावीण्य सूची जो जारी किया जाएगा वह 3 मई को किया जाएगा, प्रथम आवंटन 4 मई को और स्क्रूटनी एवं प्रवेश की तिथि 7 से 8 मई तक, इतने में यह हो जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 500 रुपया, बाकी के लिए ST SC के लिए 300 रुपये, आवेदन में संशोधन के लिए 200 रुपये और आवेदन की अंतिम तक ही संशोधन शुल्क पटाकर संशोधन कर सकते हैं। और नंबर और ईमेल नहीं होगा। और आवेदक जन्मतिथि 12वीं कक्षा के प्राप्तांक कुल अंक, बायोलॉजी के प्राप्तांक कुल अंक को ध्यान से अंकित करें, चूंकि इसी के आधार पर आपकी प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी। त्रुटिपूर्ण अंकित किए जाने से स्क्रूटनी में त्रुटि पाए जाने पर आपकी प्रावीण्यता से वंचित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ सीट है वह 280 है, जिसमें से 140 पैथोलॉजी के और 140 एक्सरे के, जिसमें रायपुर में 20-20 और बिलासपुर में भी 20-20, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और राजनांदगांव, इस तरीके से 7 जगह हुआ है और 7 जगह में 40-40 सीट है और 200 टोटल 280 सीट यहाँ दिया गया है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से मैं यही शॉर्ट में आपको बता देता हूँ और ऑनलाइन कैसे करना है वो वीडियो मैं कल लेके जरूर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत।